चोर बोले जोर से जी। तो ये सब चोर हैं। इसका फोटो हम आपको दिखाते हैं। नीट का मास्टरमाइंड है कौन? अमित आनंद। हाँ। ये आप देख लीजिए, मुरठा वाला बाबा के साथ इसका फोटो है। ये सम्राट चौधरी जो भोकाल टाइट किए हुए थे। हाँ। ये वही चोर है जो जोर से बोल रहे थे। हाँ। तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे थे। हाँ। और खुद मास्टरमाइंड के साथ देखिए क्या कर रहे हैं। संजीव मुखिया कौन है? संजीव मुखिया को किससे साठ घाट है? संजीव मुखिया की पत्नी क्या एनडीए में नहीं थी? बहुत आप उड़ रहे थे विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, अब आपके मुंह में दही क्यों जम गया है? खुद के घर में अगर आप सेंध हो तो दूसरे के घर में मत झांकिए। खुद का घर शीशा का है और दूसरे के घर पे पत्थर फेंकते हैं तो तेजस्वी यादव जी को कुछ होने वाला नहीं है। अगर तेजस्वी यादव गलत है तो पकड़िए उसको। आप तेजस्वी यादव पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी हुआ है ना खुलासा, खुलासा हुआ है ना। अगर आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो तीन उंगली आपके ऊपर खुद उठ जाएगा, ये आप समझ लीजिए। नीट पेपर लीक मामला अब देश में तो भूचाल मचाई है। कल संसद भवन में जैसे ही सत्र शुरू हुआ, शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ, तमाम जो इंडिया अलायंस के सांसद थे भारत के संविधान लेकर के खड़े थे, और जब शिक्षा मंत्री देश के जो हैं जब वो गए शपथ लेने के लिए तो उनके सामने सेम सेम नीट सेम की नारा लगने लगी। और बिहार में आते हैं तो तेजस्वी यादव के जो पीए हैं प्रीतम कुमार, उन पे आरोप लगाए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कि उनके जो पीए हैं और तेजस्वी यादव की संलिप्तता में नीट पेपर लीक हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रिया राज हैं, आरजेडी नेत्री। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव तो बहुत सातिर निकले। देखिए सबसे पहले कहते ने कहावत है गांव में। हाँ। चोर बोले जोर से जी। तो ये सब चोर हैं और ये सब छोटा मोटा चोर नहीं है जी। ये सब बहुत बड़ा बड़ा चोर है। हाँ। संजीव मुखिया कौन है? संजीव मुखिया कौन है? संजीव मुखिया को किससे साठ घाट है? संजीव मुखिया की पत्नी क्या एनडीए में नहीं थी? अब जवाब दीजिए। बहुत आप उड़ रहे थे विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, अब आपके मुंह में दही क्यों जम गया है? अब जवाब दीजिए। चोर बोले जोर से कौन चोर है? अरे यही सब चोर है जो करवा रहे हैं। संजीव मुखिया किंग मेकर है और किंग मेकर का किस किस के साथ फोटो है ये सब पता है। नीतीश कुमार जी के साथ फोटो है, उनकी पत्नी एनडीए से चुनाव लड़ी है, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। क्या आप खुद के घर में अगर आप सेंध हो तो दूसरे के घर में मत झांकिए। खुद का घर शीशा का है और दूसरे के घर पे पत्थर फेंकते हैं तो तेजस्वी यादव जी को कुछ होने वाला नहीं है। अगर तेजस्वी यादव गलत है तो पकड़िए उसको। क्यों अभी तक छोड़े हुए हैं? या उनके पीए को कुछ बोल लेने से, झूठा आरोप लगा देने से आप तेजस्वी यादव पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी हुआ है ना खुलासा, खुलासा हुआ है ना। अगर आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो तीन उंगली आपके ऊपर खुद उठ जाएगा, ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी हो या सम्राट चौधरी जी हो चाहे विजय सिन्हा हो, ये सबकी मिली भगत से पेपर लीक हुआ है, ये आप समझ लीजिए। और देश के जो शिक्षा मंत्री है क्या कहे उनके बारे में, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। वो जब शपथ ग्रहण ले रहे थे और इतने बेशरम मंत्री तो हम आज तक देखे ही नहीं है कि पूरा सदन गूंज उठा था, पूरा सदन में आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उस मंत्री को शर्म नहीं आया कि देश के स्टूडेंट के साथ, नीट के स्टूडेंट के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। नेट का कोई साक्ष्य भी नहीं था, नेट एग्जाम का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला और रद्द कर दिए। लेकिन जब नीट का आपके पास इतना साक्ष्य मिल गया है, जब लोगों ने बता दिया है, अपराधी जो है जो वो कह रहे हैं कि हुआ है, फिर भी आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे ये लोग, हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े नेता सफेद पोश वाले के बाल बच्चे पेपर खरीदा गया है, क्वेश्चन खरीदा गया है और उसके बच्चे को पास कराया गया है, इसीलिए एग्जाम रद्द नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। नीट का अभी पूरे दुनिया का स्टूडेंट, पूरा देश का स्टूडेंट रोड पे है, लेकिन क्यों नहीं केंद्र सरकार एग्जाम को रद्द करवा देती है? क्यों नहीं दोबारा री एग्जाम लेना चाहती है? क्योंकि बड़े बड़े नेता का बेटा बेटी क्वेश्चन पैसा वाला है भाई, क्वेश्चन खरीद लो, नीट खरीद लो, एग्जाम खरीद लो, अपना कर लो। तो ये भाजपा का तो कनेक्शन है सबसे, भाजपा तो हमेशा ही पेपर लीक कराने में रहती है। हाँ। हमेशा, आप आज ही नहीं समझ लीजिए। हाँ। कोई भी पेपर हो तो हमेशा भाजपा कनेक्शन लगाती है। ये जो है
क्या इसका फोटो हम आपको दिखाते हैं, नीट का मास्टरमाइंड है। कौन? क्या नाम है इसका? अमृत आनंद। हाँ। ये आप देख लीजिए, मुरठा वाला बाबा के साथ इसका फोटो है। कौन? देख लीजिए बाबा कौन है? ये सम्राट चौधरी जो भोकाल टाइट किए हुए थे और जो हमारे तेजस्वी यादव पे, अरे देख लीजिए ना, मास्टर माइंड, नीट का मास्टर माइंड अमित आनंद, आप सभी देख सकते हैं। चोर बोले जोर से, ये वही चोर है जो जोर से बोल रहे थे, तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे थे और खुद मास्टर माइंड के साथ देखिए क्या कर रहे हैं। इसको तो मुरठा खोल लेना चाहिए, इसको तो मुरठा खोल लेना चाहिए। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग बोल रहे हैं ना, जैसे विजय सिन्हा हो गए, नीतीश कुमार हो गए, इसको जानते हैं नीरज सिंह बबलू को, मंत्री हैं, मंत्री जी को जान रहे हैं, मंत्री जी भी बहुत बड़ा भोकाल टाइट किए हुए थे। तो ये तस्वीर उप मुख्यमंत्री का है, बिल्कुल ये तस्वीर हमने आपको दिखा दिया। हाँ। ये वही सम्राट चौधरी जी है जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे तेजस्वी यादव पे। अगर एक उंगली सम्राट चौधरी जी किसी पे उठाइएगा तो तीन आपके ऊपर खुद उठेगा। खुद शीशे के घर में रहते हैं, दूसरे के घर पे पत्थर मत फेंकिए। तेजस्वी से कनेक्शन, यादव क्लीन है, समझ लीजिए। तेजस्वी यादव को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है। अगर तेजस्वी यादव गलत होते तो ये लोग सोए होते, कब का घुस गए होते, ये आप समझ लीजिए। तेजस्वी यादव ना कभी गलत किए हैं और ना कभी युवाओं के साथ तेजस्वी यादव गलत करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, ये आप समझ लीजिए। ये सब चोर है, चोर चोर मसेरा भाई, ये सब चोर है। कौन है चोर? ये भाजपा एनडीए सब चोर है, सब इसी चोर के है। राज में आप लोग लैंड फॉर जॉब मामला वाला ना, लैंड फॉर जॉब की बात करते हैं। क्या साक्ष्य आपके पास, क्या सबूत है, कुछ भी बोल दीजिएगा। इतना बार सुनिए ना, ज्यादा बोलिए नहीं, पूछताछ पूछताछ कोई किसी के साथ कर लेगा। प्रूफ है, प्रूफ दीजिए तब आप बात कीजिएगा, बिना प्रूफ के बात मत करिए। प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, सम्राट चौधरी का साठ गांठ अमित आनंद के साथ है। बोलिए आप, बोलिए ना, नीरज बबलू का साठ घाट है संजीव मुखिया के साथ, बोलिए। सम्राट चौधरी का है, नीतीश कुमार का है, जवाब दीजिएगा। तो कैंसिल नहीं होगा पेपर तो क्या करेंगे अंतिम? कैंसिल इसको करना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। ये सरकार जो जो हमारे विपक्ष है वो गुंगी बहरी और अंधी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आज का जो विपक्ष है वो बहुत बड़ा मजबूत विपक्ष है, ये आप समझ लीजिए। चैन से सोने नहीं देंगे इस सरकार को, आप समझ लीजिए। चोर को सलाखों के पीछे जाना ही होगा और नीट एग्जाम नीट करना ही पड़ेगा। देश के 25 लाख स्टूडेंट की बात है, एक दो की बात नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, आज उसके दर्द में जाके देख लीजिए उस बच्चों का दर्द क्या है, तब पता आपको चलेगा। 50 लाख एक करोड़ में क्वेश्चन खरीद लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते, इससे नहीं होने वाला है। ये सब चोर है और चोर का पर्दाफाश हो रहा है और चोर का पर्दाफाश होगा। चलिए शुक्रिया। तो ये है प्रिया राज और आरजेडी नेत्री हैं, इनका दावा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उनका जो नीट पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनके साथ फोटो है। तो इस तरह का जो तमाम आरोप है वो प्रिया ये राज लगा रही है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।